अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी हाइब्रिड सील फार्मिंग बाय दाऊद डॉगर। आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो गर्मियों के दाने के हिसाब से बनाने जा रहा हूँ। गर्मियों के दाने में जस्ट एक जो टेक्निकल पॉइंट है, दाना आपका जो भी हो दाना, लेकिन उसमें जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि जो भी आप लोगों ने दाना डालना है वो कम से कम 24 घंटे पहले भिगो के रखा हो। अब भिगो के रखने से दाने को क्या होता है, दाना भिगो के रखने से नरम हो जाता है, इजी डाइजेस्ट हो जाता है बर्ड्स को। तो गर्मियों में जो इजी डाइजेस्ट दाना है वो ही डालना चाहिए। मैं आपको दाना भी दिखाता हूँ। दाने में आप जो भी डालना है मिक्सचर उसका जो भी है उसको भिगोना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो भी आपने फीड एडिटिव डालने हैं वो आप डाल सकते हैं। अभी मैं आपको दाना दिखाता हूँ जो मैंने भिगो के रखा हुआ है, फिर उसको प्रेस करके बताता हूँ जी कितना। जी मेरे दोस्तों, ये दाने का मिक्सचर मैंने बनाया हुआ है। ये उतना ही बनाया हुआ है कि 2 दिन ये चल जाए, ज़्यादा नहीं बनाते। गर्मियों में दाना ख़राब भी हो जाता है, फीड मिक्सचर डालने होते हैं, फीड एडिटिव डालने होते हैं तो वो दाना ख़राब हो जाता है। तो ये आप देखें, ये दाने का मिक्सचर है। पहले ही मैं बता चुका हूँ, दाना आपने जो भी डालना है, जो भी मिक्सचर आपने डालना है वो आप डाल सकते हैं। तो ईज़िली देखें, ये दाल है, तो ये आप देखें, ये दाल आसानी से 4 हिस्सों में पड़ी है। तो ये इसका टेक्निकल पॉइंट है। ये देखें, ये दाल का ज़र्रा है, ये देखें टूट गया। तो गर्मियों में यही टेक्निकल पॉइंट है। बाकी आपने इसमें तेल डालना है, तेल डालना है, नमक वगैरह मल्टी विटामिन डाले जाते हैं वो आप डाल लें, लेकिन बनाए उतना कि 1-2 टाइम बन जाए। गर्मियों में यही है कि आपको डेली बेसिस पे दाना बनाना पड़ता है, अदरवाइज़ आप बनाएंगे तो वो स्मेल मार जाएगा। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ है, उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह वीडियो बनाते रहेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। अभी मैं आपको दो हमारे जो पट्ठा पट्ठी घूम रहा है उसका भी आपको जाते जाते शौक करवा देता हूँ। ये हमारा घर की हैचिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका शौक करें। अभी ये दाना मैंने इनको डाला और आधा तो खा गए हैं तो बाकी खा रहे हैं। ये हाइब्रिड का बचा है ये वाला, ये फीमेल खड़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड को वाइंड अप करने का वक्त आ गया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।